कोरोना काल में अचानक सैकड़ों की तादाद में चमगादड़ों के मरने से लोगों में भय का माहौल है। लोग चमगादड़ों की मौत को कोरोना से जोड़कर देख रहे हैं। वहीं प्रशासन मृत चमगादड़ों के सैंपल की जांच करवा रहा है। पशु पक्षी विशेषज्ञों का कहना है कि चमगादड़ों की मौत की वजह गर्मी भी हो सकती है। सिंगरौली जिले के माड़ा क्षेत्र के अंतर्गत पडरी टोला गाँव में लगभग 1000 चमगादड़ों की मौत हो गई। चमगादड़ों की मौत से सिंगरौली जिले में हड़कंप मचा हुआ है। स्थानीय व्यक्तियों की सूचना पर सिंगरौली DFO विजय सिंह ने इस मामले की जांच के आदेश दिए और पशु चिकित्सकों के दल को मृत चमगादड़ों का सैंपल लेने के लिए भेजा। SDM रवि मालवीय के नेतृत्व में डॉक्टर और राजस्व की टीम ने मौके पर इस घटनाक्रम का अध्ययन किया। मरे हुए चमगादड़ को JCB से गड्ढा खोदकर गाड़ दिया गया है। SDM ने चमगादड़ों पर नजर रखने के लिए अमले को अलर्ट कर दिया है। चमगादड़ों के सैंपल लेने वाली डॉक्टर अनामिका का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है, लेकिन अंदाजा लगाया जा रहा है कि अत्यधिक गर्मी पड़ने के कारण इनकी मौत हुई है। जी, अभी तो हमारी जांच टीम गई थी आज और हमने वहाँ से सैंपल कलेक्ट किया है। पहले देखने में तो यही समझ में आ रहा है कि हीट स्ट्रोक हो सकता है उनको, और अभी हम लोगों ने सैंपल भोपाल लैब भिजवा दिया है। आज भिजवाया है रेंजर साहब के थ्रू, और अब देखते हैं वहाँ से रिपोर्ट क्या आती है। और अभी वहाँ ऑब्जर्वेशन भी चलता रहेगा कि अभी आगे भी मौत हो रही है कि बस इतना ही हुआ था। अगर इतना ही है तो हो सकता है हीट स्ट्रोक इसका रीज़न हो सकता है, अभी जो हमने ऑब्जर्व किया उसके आधार पर। अभी एकदम पक्का रिजल्ट अभी कुछ नहीं बता सकते हम, देखते हैं अब जैसे ही रिपोर्ट आती है उस हिसाब से काम किया जाएगा। इसके लिए तो अभी हमारी टीम बस ऑब्जर्व करके आई है। अब यहाँ पे जो हमारी टीम गठित है तो हम बैठेंगे, बात करेंगे आपस में, फिर देखते हैं कल फिर से क्या होता है, ऑब्जर्वेशन करेंगे उसका, है ना। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।